अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आज का टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इसके जो मेजरमेंट के तरीके हैं वो कैसे होते हैं, इंटेलिजेंस किस तरह इम्प्रूव होती है, और ये यूनिट 3 है कोर्स कोड 8610 का। चलें आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट। At the end of this unit, you students will be able to discuss intelligence and how is it measured. You will be able to discuss theories of multiple intelligence. You will be able to review the controversies and issues in intelligence. You will be able to understand the intellectual characteristics of learners. You will be able to work out activities relevant to children's intellectual development at the pre and elementary school level. So let's move to the topic, and before moving to the whole unit, we are going to have an overview about the unit intellectual development. Cognition is the study of the thought process or activities of human mind which lead to the acquisition of new knowledge and skills. It includes all types of mental process such as attending, thinking, visualizing, imagining, creating, and problem solving, to name a few. While cognition is the process of thought or knowing, intelligence refers to process of applying that thought or knowledge into real life. In this way, intelligence involves both the process of assimilating knowledge, cognitions, as well as the ability to apply knowledge. ओवरव्यू में हम अगर बात करें मुख्तसर, तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से आप जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो एक नॉलेज की सूरत में आपके पास होती है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो इंटेलिजेंस कहलाती है। कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, डिक्शनरी हैज़ मेड डेफिनेशंस, कैपेसिटी फॉर लर्निंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्टीट्यूड and grasp truth, relationships, facts, meanings, the ability to acquire and apply knowledge and skills. डिक्शनरी की डेफिनेशन से जो की पॉइंट्स निकाले हैं उसका मतलब ये है कि कैपेसिटी फॉर लर्निंग, किसी चीज़ को पढ़ने की कैपेसिटी, लर्निंग से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप उसकी रीडिंग करें, किसी चीज़ को जब रीड किया जाए और उसको अपने कैरेक्टर में शामिल कर लिया जाए, मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, या आपने रीडिंग कर ली कहीं लिखा हुआ है किसी दीवार पे, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर अमल करते हुए झूठ बोलना छोड़ दिया तो ये लर्निंग कहलाएगी। तो कैपेसिटी ऑफ लर्निंग में आप इस तरह से देखिएगा कि लर्निंग किस चीज़ को कहते हैं। रीजनिंग, किसी चीज़ का होने का वजह जानना, किसी चीज़ के होने की रीज़न बता सकना। अंडरस्टैंडिंग, किसी काम को होते हुए देखकर उसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना। एप्टीट्यूड इन ग्रेस्प ट्रूथ, किसी मामले की तहकीक करना, रिसर्च करना, किसी सच तक पहुंचने के लिए रुझान होना आपके अंदर, ये भी एक इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है, उसमें आता है। रिलेशनशिप्स, किसी के इर्द गिर्द अपने माहौल में आपके लोगों के साथ जो रिलेशनशिप हैं उन में आप किस हद तक इंटेलिजेंस का मुजाहरा करते हैं, उसके साथ साथ फैक्ट्स हैं, मीनिंग्स हैं किसी भी चीज़ के। द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, वही बात जो मैंने लर्निंग की डेफिनेशन में बताई थी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करना और फिर उसको अप्लाई करना, वो नॉलेज और स्किल कहलाएगा। इंटेलिजेंस इज थॉट ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, एग्जाम्पल द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अडाप्ट एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी आपके अंदर
जो सलाहियत है किसी भी मसले को दरपेश होने पर उसको हल करने की, और अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के ज़रिए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंस कहलाती है। अब हम देखेंगे थ्योरेटिकल पोजीशंस। टेरेजिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पहले इसमें हम देखना चाहेंगे कि आपके जो बुक के पेज नंबर 37 पर दी हुई है, दैट इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस थ्योरी के तहत ये बताया गया है कि सबसे पहले इसमें तीन कंपोनेंट होंगे तो इंटेलिजेंस कहलाएगी। एनालिटिकल कंपोनेंट, किसी भी चीज़ का तजिया करना, उसके सयाको सबाक का जायज़ा लेना, उसके हर पहलू हर एंगल से उसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखना। फिर क्रिएटिव, किसी नए चीज़ की तख्लीक करना। एंड प्रैक्टिकल, और किसी चीज़ को अप्लाई करना, किसी नॉलेज को, जैसे कि हम पिछली स्लाइड पर देख चुके हैं। ये तीनों कंपोनेंट होंगे तो ही इंटेलिजेंस जो है वो अकर होगी या इंटेलिजेंस डेवलप होगी। द एनालिटिकल कंपोनेंट डील्स विद अ पर्सन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एनालिटिकल का मतलब ही यही है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके हर जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको जज करते हैं पहले, और फिर उसमें से जो बेहतरीन हल होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट आइडियाज टू फॉर्म समथिंग नॉवल बाय थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर इससे मुराद ये है कि जिस तरह से आप नई क्रिएटिविटी को अगर हम एग्जांपल दें तो कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से कोई कपड़े सीने वाला टेलर है, उसने कुछ दो तीन शर्ट्स के डिज़ाइंस देखे हैं और उसमें से फिर वो कुछ एक शर्ट के डिज़ाइन से पार्ट लेता है डिज़ाइनिंग के लिए, कोई डिज़ाइन का एक पोर्शन वो दूसरी शर्ट से और तीसरी से, और इस तरह मिलाकर एक नया डिज़ाइन क्रिएट करता है, तो वो एक क्रिएटिविटी कहलाएगी। और इसी तरह जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, तो वो यही है कि आपके सामने जो सारे सॉल्यूशंस मौजूद हों, जो सारी चीज़ें आपके सामने हों, उनसे हटकर कुछ आप नया, कुछ इनोवेटिव आइडिया लाएं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग नॉलेज एंड स्किल्स इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट। यानी आपके पास अगर एक स्किल है, एक नॉलेज है, इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी आपको ड्राइविंग की, कि अगर आपके पास एक स्किल है कि आप प्लेन एरियाज़ में जो रोड्स हैं उन पर ड्राइविंग की प्रैक्टिस और महारत रखते हैं, तो उस स्किल को और उस प्रैक्टिस को और उस नॉलेज को यूज़ करते हुए आप पहाड़ी इलाकों में भी ड्राइविंग का एक्सपेरिमेंट करें और वो कामयाब रहे, तो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होगा, लेकिन आपका जो स्किल और नॉलेज है वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होगा, जिसके बेस पर आप नए माहौल में भी अपनी इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ग्रैंडर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 31 खोल लें, तो वहाँ पर ये टेबल ऑलरेडी आपके पास वहाँ प्रिंटेड है, लेकिन यहाँ मेरी शीट पर, मेरी स्लाइड पर आपको फोर्थ कॉलम नहीं शो हो रहा, तो वो आप उसके लिए अपनी बुक का पेज नंबर 38 खोल लें, वहाँ पर आपको इसका फोर्थ कॉलम जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं साथ साथ रेफ़र करूँगी। तो इंटेलिजेंस का हम मुख्तलिफ जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो काइंड्स हैं उनको हम देखते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल पहली काइंड है इंटेलिजेंस की, जिसके ज़रिए बच्चे के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ न्यूमेरिकल पैटर्न्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रीजनिंग एंड लॉजिक। इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उसके अंदर ये वाली खूबियाँ डेवलप करने में और उसकी लोकल लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए अहम किरदार अदा कर दिए हैं। तो वो रिलेटेड एक्टिविटीज़ बताई गई हैं कि एक्सपेरिमेंटिंग, कैलकुलेटिंग, सॉल्विंग लॉजिकल पजल्स,
तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जब आप बच्चों को करवाते हैं तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ जो आप फोर्थ कॉलम में देखें तो मैथमेटिकल सिंबल्स दिए हुए हैं जिसमें डिवीज़न का है, इक्वल का है, परसेंटेज का है, मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन का है, इस तरह सब्सट्रैक्शन का है। तो ये सारे जो अमल हैं ये सारे बच्चे की लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहलाते हैं, जिसको इम्प्रूव करने के लिए आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है, कि एक्सपेरिमेंट करवाने हैं कैलकुलेशन के, सॉल्विंग लॉजिकल पजल्स के। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है लर्निंग कॉर्नर्स। उसका लिंक मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी आप लोगों को के साथ इन चैट बॉक्स में शेयर किया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपकी रिकॉर्डिंग अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर सजेस्टेड वीडियोज़ में इसका टैग लगा दूंगी तो आप देख सकेंगे। उसमें आपको मैथ कॉर्नर्स के हवाले से एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप के लिए एक्टिविटीज़ और सजेस्टेड मटेरियल अबाउट लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ आपको उस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। इसके बाद है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज़ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड कम्प्रीहेंस अदर्स। इसमें ये खूबी पाई जाती है, ये लिंग्विस्टिक की जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर के बच्चे के अंदर या किसी भी फ़र्द के अंदर वो काबिलियत पाई जाए कि वो ना सिर्फ अपनी जो लैंग्वेज है उसके फंक्शंस को, उसके सारी जो स्किल्स हैं फोर रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग, उनमें महारत हासिल कर ले और ख़ुद का अपने आप का जो अपने ख्यालात हैं उनका इजहार कर पाए, ना सिर्फ उन फोर स्किल्स के थ्रू बल्कि कम्प्रीहेंस अदर्स, लोगों की कही हुई बात का मफहूम भी बता सके, उसको भी एक समराइज करके बता सके कि ये बात जो दोस्त मेरा कह रहा है या कोई मेरा बहन भाई या कोई फादर मदर में से तो उसका ये मतलब है। और इस सारी जो इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो एक्टिविटीज़ सजेस्ट की गई हैं वो हैं रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग वर्ड गेम्स, लिसनिंग टू एंड टेलिंग स्टोरीज। इसके हवाले से भी मेरी एक वीडियो लैंग्वेज कॉर्नर के नाम से अवेलेबल है, उसका लिंक आपको इस लर्निंग कॉर्नर्स की प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, तो वहाँ पे पूरी डिटेल आप इसकी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हमारे पास है स्पेशल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिकग्नाइज्ड एंड मैनिपुलेट पैटर्न्स, शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें आप देखेंगे कि जो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं वो है नेविगेशंस, डिज़ाइनिंग, विजुअलाइजिंग, ड्राइंग, सॉल्विंग जिग्सा पजल्स। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको शो करा रही हैं कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इस स्पेशल इंटेलिजेंस में पाई जाती हैं, और वो हैं कि आप मैप का यूज़ करें कहीं जाते हुए, नेविगेशन इसके थ्रू, इसकी जो आपकी इंटेलिजेंस है उसके थ्रू आप कहीं पहुंचने के लिए मैप का इस्तेमाल करें, किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं आप या विजुलाइज कर पाएँ किसी भी, जैसे कि आप यहाँ बैठे अगर आपको कहा जाए कि फ़लाँ मुल्क में इस तरह से होता है, वहाँ के लाइफ स्टाइल ये है, और वो स्टोरी और बात सुनकर आप उस इस सीन को विजुलाइज कर सकें, इसी तरह ड्राइंग कर सकें, किसी भी चीज़ को देखकर उसकी ड्राइंग बना सकें। नेक्स्ट जो है वो आपके पास म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड यूज़ द कंपोनेंट ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक के जो कंपोनेंट हैं उनको अप्रिशिएट कर सकना और उनको इस्तेमाल कर सकना। उसके लिए एक्टिविटीज़ हैं सिंगिंग, क्रिएटिंग ट्यून्स और ह्यूमिंग यानी गुनगुनाना। इसके लिए आपके पास फोर्थ कॉलम में एक म्यूज़िक का साइन बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है बॉडीली कैनेस्थेटिक एबिलिटी, इंटेलिजेंस एबिलिटी, जिसमें आप इसकी खूबियाँ ये हैं कि कैनेस्थेटिक कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग को, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड यूज़ फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स इन प्रोडक्टिव वेज। जैसे कि आपको कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि ग्रॉस मोटर स्किल्स के इम्प्रूव करने के लिए कुछ गेम्स थी, कुछ एक्टिविटीज़ थी जो बताई गई थी, और जिसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स
बॉडी पार्ट्स के हवाले से बात की गई थी, तो ये वही चीज़ है जिसको बॉडीली कनेस्थेटिक कहा गया है। इसमें एक्टिविटीज़ हैं डांसिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह। और इसके साथ आपके सामने जो फोर्थ कॉलम है इसी कनेस्थेटिक से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को होते हुए दिखाया गया है एक पिक्चर की शक्ल में, जिसमें आप रनिंग देख पा रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग देख रहे हैं, साइकिलिंग देख रहे हैं, बॉक्सिंग के कुछ सीन आपको दिखाई दे रहे हैं, और रस्सा कूद रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज और जंपिंग के कुछ सीन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमेशा लर्निंग बाय डूइंग ही होती हैं, उनको आप इमेजिन नहीं कर सकते, उनके लिए फिज़िकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है उन एक्टिविटीज़ में। इंटरपर्सनल में आप देखें कि एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ प्रोडक्टिव वे, किसी दूसरे लोग के साथ, दूसरे लोगों के साथ बातचीत कर सकना जो कि एक प्रोडक्टिव वे हो, वो इंटरपर्सनल कहलाता है। इसमें लीडिंग एक्टिविटीज़ में लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सोशलाइजिंग, जैसा कि आप स्कूल में अपनी क्लास में एक ग्रुप बना देते हैं कुछ, और उन ग्रुप में आप कुछ लीडर्स बना देते हैं, तो वो एक्टिविटी आपकी लीडिंग रिलेटेड एक्टिविटी हो जाएगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग में अगर आप कोई भी क्लास में कोई छोटा सा कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इवन आप बज़्म अदब का कोई पीरियड करवा रहे हैं, और आप कहें कि आप में से एक बच्चे ने सब नात वालों के नाम लिखने हैं, एक बच्चे ने स्पीच वालों के नाम लिखने हैं, दूसरे के ज़िम्मे आप लगाएंगे कि आपने चेयर्स का अरेंजमेंट करवाना है, तो इस तरह उनको जो आप एक्टिविटी करवा रहे होंगे वो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी कहलाएगी, और इससे उनकी इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं हम इंट्रापर्सनल की। एबिलिटी टू अप्रिशिएट वंस ओन सेल्फ टू गाइड वंस ओन लाइफ, ऐसी खूबी जो इंसान को उसकी जहानत बताए कि वो अपने लिए कोई लाइफ में क्या मकाम बनाना चाहता है, वो टीचर बनना चाहता है बड़े होके, पायलट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई लॉयर बनना चाह रहा है, तो उसके लिए उसकी एक्टिविटी क्या है कि गोल सेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ड्रीमिंग, मेडिटेशन। तो इस सारे जो इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए इंट्रापर्सनल के लिए आप बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं कि आपका ये गोल है कि कल का दिन आपने अपने लिए प्लान करना है कि किस तरह से गुजारना चाहते हैं, आप अपना टाइम टेबल स्केड्यूल करें और उसके बारे में मुझे सेट करके दें, और फिर उस चीज़ को आप ऑर्गेनाइज़ करें पूरे दिन को किस तरह से गुजार रहे हैं। अगर वो आपका उसी तरह गुजर जाता है तो उसके लिए आप ज़ाहिर है गोल सेट हुआ कि दिन कैसे गुजारना है, उसके लिए सेटिंग करें, प्लानिंग करें, ड्रीमिंग करें और मेडिटेशन करें। तो इस तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके स्टूडेंट के इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करेंगी। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में यही फ़र्क है, उस वक्त क्लास के दौरान भी आप लोगों ने ये सवाल किया था कि इंटरपर्सनल में आपको लोगों के साथ यानी सोशलाइजेशन में इंटेलिजेंस किस तरह इम्प्रूव होती है उसके बारे में एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग और सोशलाइजिंग, जबकि इंट्रापर्सनल में आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, अपने बारे में प्लान करना होता है, अपने बारे में गोल सेट करना होता है और ख़ुद पर काम करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास इसमें आप इंट्रापर्सनल में देखिए तो आपको एक फोर्थ कॉलम में एक दिमाग दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे धागे निकल रहे हैं, यानी कि बहुत सारी सोचें उसमें थिंकिंग दिखाई गई है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है। इसी तरह से अगर आप इंटरपर्सनल में देखें तो आपको सोशलाइजेशन का डायग्राम दिखाया जा रहा है कि एक बंदे का दूसरे से लिंक है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले बंदे से लिंक है। नेक्स्ट हम लास्ट वाले पे आ जाते हैं तो नेचुरलिस्टिक में आप देखें तो ये एबिलिटी है टू अप्रिशिएट द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी इसको आप एस्थेटिक सेंस भी कह सकते हैं इंसान की, कि वो किसी भी चीज़ की ब्यूटी को जो अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में है, मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत हैं उनकी एस्थेटिक सेंस के हिसाब से,
तो जो भी चीज़ आपको खूबसूरत लगे उसको अप्रिशिएट करने की एबिलिटी जो है वो आपको इस चीज़ की खूबी है, इस नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की। और इसकी एक्टिविटी में आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग विद एंड केयरिंग फॉर मदर नेचर, यानी अगर आप बच्चों को ये एक्टिविटी दे दें कि आपने अपने स्कूल के गार्डन में जो है एक खूबसूरत अपना एक एक पौधा लगाना है और उसकी देखभाल करनी है, तो इस तरह की एक्टिविटी के थ्रू बच्चों के अंदर आपके जो है वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्या है? बोथ ग्रैंडर एंड स्ट्रेमबर्ग एम्फेसिस द एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड अदर्स। दोनों जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ग्रैंडर और स्टेमबर्ग, इन दोनों के ख्याल में फोकस है उनका कि जो खुद को अंडरस्टैंड करना और फिर दूसरों को अंडरस्टैंड करना की एबिलिटी है, काबिलियत है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरिस्ट्स शो कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस विद इनेबल देम टू अंडरस्टैंड इमोशंस एंड एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली। यानी अगर बच्चों के अंदर इस थ्योरी के मुताबिक अगर उनके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो खुद के जज्बात को भी समझते हैं, अपने इमोशंस के, और जो सोशलाइजेशन जो कि यहाँ बताई गई है दो लोगों के साथ दूसरों के भी इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनको एक्सप्रेस कर पाएँ अप्रोप्रिएटली यानी ठीक तरीके से, तो फिर वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएगी। मतलब ये है कि अगर हम कि अपने पेरेंट्स के साथ हैं बच्चे और उन या बड़े, तो उनको अगर पेरेंट्स की कोई बात नागवार लग रही हो तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और उनके सामने किसी बदतमीज़ी का मुजाहरा ना करें, तो ये एक इमोशंस का अप्रोप्रिएट एक्सप्रेस होगा कि वो उन इमोशंस को कंट्रोल करें जो कि नेगेटिव इमोशंस हैं जो दूसरे इंसानों के साथ उनके तल्लुकात को ख़राब कर सकते हैं। मॉनिटर देयर ओन एंड देयर्स अदर्स इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो दूसरों के इमोशंस और फीलिंग को भी बच्चा या बड़ा या जो इंसान है वो अगर मॉनिटर कर पाए, वॉच कर पाए कि मेरी इस बात से किसी दूसरे इंसान को गुस्सा आ रहा है या मेरी इस बात से किसी दूसरे इंसान को खुशी महसूस हो रही है, तो उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को नोट कर पाए, तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएगी। अलाउ इमोशंस टू गाइड देयर थिंकिंग एंड एक्शंस। जो अपने इमोशंस को इस हद तक अलाउ करें कि अगर वो खुशी महसूस कर रहा है और तो फिर वो उस खुशी में उसकी जो थिंकिंग होगी वो उसको गाइड करेंगे वो इमोशंस, और वो एक्शंस क्या करेगा कि वो अपनी खुशी का इजहार किसी दूसरे के साथ उसकी तारीफ करके, उसको कोई पार्टी देके जब किया जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को थिंकिंग के बाद एक्शंस के साथ रिलेट करना इमोशंस को इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएगा। इसी तरह क्रिटिसाइज्ड फॉर ब्रॉडनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस विदाउट एडिक्यूट रिसर्च बेस्ड एविडेंस। किसी भी रिसर्च के बगैर, रिसर्च तहकीकी सबूत के बगैर किसी भी इंटेलिजेंस के, इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज ना करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएगा। इस तरह इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज हम चेक करेंगे इसके बारे में जो इंटेलिजेंस की थ्योरी हैं इनके हवाले से। तो यहाँ पर बात हो रही है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रोवर्सीज इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज वेदर इंटेलिजेंस इज एन इनहेरिटेड एबिलिटी, यानी कि बाय नेचर है, वेदर इट कैन बी डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल्स पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंसेस, यानी नर्चर की जा सकती है। यहाँ पर दो सवालात हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं। नंबर एक, कि क्या जहानत वैसे में मिलने वाली सलाहियत है और सिर्फ उतनी ही रहती है, फिक्स है, या
इसको मुनासिब माहौल मिलने के बाद इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ज़हानत को नर्चर किया जा सकता है। ये दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे कंट्रोवर्सीज़ में आते हैं इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ के हवाले से। अर्ली साइकोलॉजिस्ट व्यू इंटेलिजेंस एज एन इनहेरेंट एंड फिक्स्ड कैपेसिटी विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो शुरू के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी के माहिरीन हैं, उनका ये ख़्याल था कि ज़हानत जो है वो सिर्फ विरसे में मिलने वाली होती है ज़हानत, और जितना ज़हीन इंसान पैदाइशी तौर पर होगा उतना ही वो टिल डेथ भी रहेगा, क्योंकि उसकी वो कैपेसिटी फिक्स होती है और उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरा ख़्याल अब यूँ है कि इट कैन बी इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। तो दूसरा ख्याल जो नर्चर वालों का है वो ये है कि नहीं, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इंटेलिजेंस को बेहतर किया जा सकता है, किस चीज़ के साथ, किस कुछ प्रैक्टिसेस के साथ और कुछ मुनासिब माहौल के साथ, जिसको हम कह सकते हैं कि तरबियत की जाए अच्छे माहौल में और या उनको नॉलेज दिया जाए, तो उसके सूरत में उनके इंटेलिजेंस में, इंसानों के इंटेलिजेंस में, ज़हानत में इजाफा हो सकता है। दिस व्यू इज़ नोन एज द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस, यानी जो इंटेलिजेंस बढ़ सकती है उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है ये। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, अ नंबर ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैव बीन यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस। कुछ टेस्ट हैं जो कि आपकी जो ज़हानत है उसको मापने के लिए बनाए गए हैं, और वो टेस्ट दो तरह के होते हैं। एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, पहले हम इसी की डिटेल देख लेते हैं। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बनाया गया है स्टैनफोर्ड बीने की तरफ से, वेसलर स्केल, और ये एक बीने ने एक कंस्ट्रक्ट किया फ्रेंच गवर्नमेंट की डिमांड पर 1904 में, और उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि मेंटल एज एक अलग से चीज़ है जिसको जिसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जिसकी फ़िज़िकल एज अगर 10 साल है तो उसकी मेंटल एज भी 10 साल हो। और पहला जो स्टेप था आईक्यू लेवल मापने का वो था मेंटल एज का डिसीजन करना, और इसके लिए उसने एक टेस्ट तैयार किया जिसके 30 आइटम्स थे, क्वेश्चंस थे, जो बच्चे की मेंटल एज प्रोसेस को टेस्ट चेक करने के लिए बनाए गए थे। और 1912 में बाद में विलियम स्टर्न ने इंट्रोड्यूस करवाया आईक्यू लेवल नापने का फार्मूला, और जिसको आप कहते हैं इंटेलिजेंस कोटेशन क्वेश्चंस, और इंटेलिजेंस क्वेश्चंट आईक्यू को नापने के लिए, आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए जो फार्मूला बताया गया है वो है किसी भी इंसान की मेंटल एज जो पहले हमने जिक्र की उसको अगर डिवाइड किया जाए उसकी बायोलॉजिकल एज के साथ, और उन दोनों को जो डिवीजन के बाद आंसर है उसको मल्टीप्लाई किया जाए 100 से, तो जो फिगर हासिल होगा उसको हम आईक्यू लेवल कहेंगे। और फिर आईक्यू लेवल के भी डिफरेंट आगे टाइप्स हैं कि किस आईक्यू लेवल तक के बच्चे जो हैं वो आप ज़हीन होते हैं, और किसके फतीन होते हैं, और किसके कुंद ज़हन होते हैं, और वो अलग एक पूरी एक टेबल है आईक्यू लेवल के मेजरमेंट्स की। इसी तरह बीने ने इस टेस्ट को रिवाइज़ किया 1916 में, और फिर उसके बाद एक और जो है कॉमनली एम्प्लॉयड इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया जो वेसलर का इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट था, और वो 6 से 16 साल तक की छः से सोलह साल तक के जो बच्चे थे, जनरेशन थी, उसके लिए उनके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए उनके जो इदारा था उसमें वो इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद एक और टेस्ट बनाया गया जो 2.6 ईयर के एज से लेकर 7.3 ईयर एज तक के बच्चों को मापने के लिए, उनका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए बनाया गया था, और उनकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए बनाया गया था, वेसलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल स्केल, प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं WPPSI स्केल 3। नेक्स्ट जो हमारे पास
ऑप्शन ग्रुप है, इंटेलिजेंस का चेक करने का एक मेजर करने का जो टेस्ट है वो है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से अगर हम देखते हैं तो आपके बुक के पेज नंबर 42 पर ये तफसील दी हुई है, जिसमें बताया गया है कि थॉर्नडाइक ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था जिसको लेनन स्कूल एबिलिटी टेस्ट कहा गया था। ओटिस लेनन स्कूल एबिलिटी टेस्ट यानी OLSAT टेस्ट, और इसके थ्रू जो ग्रुप्स हैं उसमें बच्चों की इंटेलिजेंस मेजर की जाती थी। और लेकिन उसका उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे वो ये थे कि एग्जामिनर को अलाउ नहीं था कि वो कोई स्टूडेंट्स के साथ रैपो बिल्ड करे या फिर उन स्टूडेंट्स का एनजाइटी लेवल या बाकी चीज़ों को इसके उनके रिजल्ट्स के साथ इफ़ेक्ट नहीं किया जाता था, जबकि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में ये चीज़ें नोट की जाती हैं कि किस तरह से बच्चों का उस वक्त जब वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आंसर कर रहे होते हैं उन क्वेश्चंस का, तो उनका एनजाइटी लेवल क्या था और बाकी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको भी देखा जाता था। लेकिन ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता है। आजकल अगर आप देखें तो आपके यहाँ जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्ज़ाम्पल है तो वो PPSC के एग्ज़ाम्स हैं, NTS का टेस्ट है जिसके थ्रू आप टॉप स्कोर अचीवर्स को सिर्फ सिलेक्ट कर लिया जाता है और उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बाकी जो चीज़ें हैं उनके सेहत के इशू या कोई लाइट नहीं थी या कहीं मौसम शदीद गर्म था या ठंडा था, तो इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है रिज़ल्ट बनाते वक्त। प्याजे की थ्योरी अब हम देख रहे हैं, प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारे पास थ्योरीज हैं कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जेन प्याजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन मूव थ्रू 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। बच्चे उसके हिसाब से 4 स्टेजेस में मेंटल डेवलपमेंट के फेजेस से गुजरते हैं और इन में से जो स्टेजेस हैं उसकी आगे हम डिटेल अभी देखते हैं। यहाँ इसके बाद है हिज थ्योरी फोकसेस नॉट ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज बट आल्सो ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक उसकी थ्योरी के मुताबिक कि सिर्फ वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को नहीं देखता कि उन्होंने कितना नॉलेज हासिल कर लिया, बल्कि उस अंडरस्टैंडिंग की जो नेचर है उसको भी चेक किया जाता है इंटेलिजेंस के थ्रू, उसकी इंटेलिजेंस उसी हिसाब से चेक की जाती है। तो पहली स्टेज है सेंसो मोटर स्टेज जो कि पैदाइश से लेकर 2 साल तक होती है। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसकी उम्र जो है वो 2 से 7 साल है। और तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसकी उम्र 7 से 11 साल है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसकी एज 12 साल से लेकर टिल डेथ। पहली जो स्टेज है अब हम उसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में, द सेंसोरी मोटर स्टेज। इसमें जैसा कि आपको पहले बताया कि पैदाइश से लेकर 2 साल तक का उम्र का दौर है, इसमें मेजर जो इसकी खूबियां और खसूसियात हैं वो ये हैं कि द इन्फेंट नोज द वर्ड थ्रू देयर मूवमेंट्स एंड सेंसेशन। इसमें बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द के जो होने वाली मूवमेंट्स हैं और जो उसके अंदर पाई जाती हैं 5 senses जो उसकी पैदाइश के वक्त उसको अल्लाह ताला ने दे दी हैं, सूंघने की हिस, चखने की हिस, देखने की हिस, टच करने की हिस और इसी तरह 5 senses का हम जिक्र कर रहे हैं। तो उस सारी जो सेंसेस हैं उनके थ्रू उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है। चिल्ड्रन लाइक अब लर्न अबाउट द वर्ड थ्रू बेसिक्स एक्शन सच एज सकिंग, ग्रेस्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। इस उम्र में जब 2 साल तक का जो पीरियड हम बात कर रहे हैं बच्चों की, उस उम्र में वो किस तरह से सीखते हैं, वो अपना ग़िज़ाई ज़रूरियात को सकिंग से सीखते हैं, फीडर सक करना सीखते हैं, उसके बाद ग्रेस्पिंग किसी चीज़ को पकड़ के, फिर देखना किसी चीज़ की तरफ, आवाज़ जब कोई आए वो उस आवाज़ की सिमत उनका देखना, और उनकी लिसनिंग जो स्किल है, ये सारी चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस को डेवलप कर रही होती हैं। इन्फेंट्स लर्न दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन दो दे कैन नॉट बी सीन। ऑब्जेक्ट
परमानेंस, यानी 2 साल की उम्र तक अगर आप बच्चों को, 1-1.5 साल के होते हैं, आप उन्हें कहते हैं सो जो वरना मानो आ जाएगी, सो जो वरना बला आ जाएगी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको इमेजिन करना सीख लेते हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं होती हैं, और वो बिना आपके मतलब उस मानों को देखे और बगैर उस बला को देखे सो जाते हैं। तो ये इस तरह की एक एग्जांपल थी जो मेरे ख्याल में यहाँ रेलिवेंट है। दे आर सेपरेट बीइंग फ्रॉम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। They realize that their actions can cause things to happen in the world around them. उनको एहसास होने लगता है कि अगर वो कोई हरकत ऐसी करते हैं जिससे इर्द गिर्द उनके माहौल में तब्दीली आती है, जैसे उन्हें लगता है कि वो रोएंगे तो उनके मदर या जो उनके अटेंडेंट हैं वो उनके करीब आएंगे और उनको फीडर देंगे। इसी तरह से अगर वो आप देखेंगे 1.5 साल के बच्चे आजकल तो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और उनको पता है कि वो किस तरह से अगर वो उसकी डिमांड करेंगे और उनकी नीड पूरी नहीं होगी तो वो कितना शोर मचाएंगे, तो उनको उनकी रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो दे दी जाएगी। तो ये था सेंसरी मोटर स्टेज। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज लिमिट है 2 से 7 साल। मेजर करेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंज आर चिल्ड्रन बींग टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड लर्न टू यूज़ वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर वो तस्वीरें देखते हैं उनके साथ की, तो उनको उनके साथ अल्फाज रिलेट करना सीख लेते हैं। जैसे आप देखें कि अगर उनको टीवी की तस्वीर दिखाई जाए या किसी दरख्त की तस्वीर दिखाई जाए तो उनको पता चल जाता है कि ये, उनको अल्फाज के ज़रिए उस चीज़ को नाम बताना आ जाता है 2 साल के बाद। तो ये एक उनकी इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हो रही होती है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड टू बी इगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। अब यहाँ उन्हें अंदाज़ा होता है कि जब उनको दूसरों के पस मंज़र में भी देखना आ जाता है, जैसे कि हम कहते हैं कि अच्छा देखो आपका ये छोटा बहन भाई है ना, ये रोएगा अगर आप ऐसा करोगे, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि हम ये वाला काम करेंगे तो हमारा ये छोटा जो दोस्त है या फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है ये डिस्टर्ब होगा, या हम कहते हैं कि आपके पापा सो रहे हैं और या मम्मा सो रही हैं और आपने शोर नहीं करना, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि जो हम काम करने लगे हैं इससे दूसरा बंदा किस तरह से इफ़ेक्ट होगा। वाइल दे आर गेटिंग बेटर विद लैंग्वेज एंड थिंकिंग, दे स्टिल tend to think about things in very concrete terms. अब उनको कुछ ठोस अंदाज में हकाइक को देखना आ जाता है, बोलना आ जाता है और वो उस बारे में सोच सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे अब उन्हें हम कहते हैं अगर इस 2 साल से और 5 साल की उम्र के दौरान एक बच्चा है, तो मैं एक आपको अपनी लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि मेरा अगर मैं वीडियो कॉल पर एक बच्चे से बात करी और उसे मैं कहती हूँ कि चलो मुझे पारी दो, तो वो कहते हैं नहीं आप तो शीशा पर हैं ना, यानी मोबाइल में है ना, किस तरह से दी जा सकती है पारी। तो ये कंक्रीट टर्म है उनके लिए, ये एक ठोस हकीकत है जो वो जान गए हैं इस उम्र में अपनी इंटेलिजेंस की बिना पर कि इस वक्त मोबाइल से बात करते हुए हम अपना जो है एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आप अभी प्री कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी पिछली जो हमने 2 से 7 ईयर की देखी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो एज स्पैन है वो है 7 to 11 ईयर्स। मेजर जो इस एज ग्रुप की इंटेलिजेंस की डिवेलपमेंट की निशानियाँ हैं वो ये हैं कि ड्यूरिंग दिस स्टेज Children begin to think logically about concrete events. They begin to understand the concept of conversation, that they the amount of liquid in a short white cup in equal to that in a tall skinny glass. For example, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्ट लेते हैं कन्वर्सेशन का, बातचीत जब उनसे की जाती है तो उन्हें समझ आती है कि मुझसे जो बात की जा रही है उसका मैंने क्या जवाब देना है,
और लिक्विड की जो अमाउंट है उसको किस तरह से शॉर्ट और मैक्सिमम बताया जा सकता है, तो वो बताएंगे कि जो कप है वो छोटा होता है, इस कप में जो लिक्विड है वो थोड़ा होगा, जो ग्लास में लिक्विड है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। या फिर वो ये बता सकते हैं कि जो स्मॉल ग्लास है, स्किनी ग्लास है, उसके अंदर पाया जाने वाला पानी और एक कप में पाया जाने वाला पानी मकदार में बराबर है। देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज बट स्टिल वेरी कंक्रीट। उनकी थिंकिंग जो है वो काफ़ी लॉजिकल हो जाती है। जैसे उन्हें कहा जाए कि अब आपने शाम हो गई है बाहर नहीं जाना, तो भाई बताएं ना भाई शाम को क्या मसला होता है, क्यों नहीं बाहर जा सकते हैं हम शाम को, वो रीज़न पूछते हैं और वो लॉजिक्स पूछते हैं। चिल्ड्रन बिगेन यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू जनरल प्रिंसिपल्स। जब उनको बता दिया जाए कि आप बाहर जो है वो ठंड में आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो एक जनरल प्रिंसिपल है कि ज़्यादा सर्दी में उन्होंने बाहर नहीं जाना, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो इस चीज़ को भी देखेंगे कि जब कभी भी बारिश हो रही होगी गर्मियों के मौसम में या बहुत कोई चेंज वेदर होगा, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि हमें जो उनका लॉजिकल रीज़न होगा वो यही है कि हमें बाहर जाने से ठंड में रोका गया है, अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें फ़लां फ़लां जो रूल्स हैं ड्रेसिंग के हवाले से वो सारे फॉलो करने होंगे, तो फिर ही हम ठंडे मौसम में बाहर जा सकते हैं। द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 12 साल और इससे अप के एज लिमिट के बारे में है। इसकी इस इंटेलिजेंस लेवल की डेवलपमेंट की चेंजेस क्या क्या हैं। एट दिस स्टेज द एडोलसेंस और यंग अडल्ट बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकली प्रॉब्लम्स। अब जैसे वो कोई भी चीज़ है उसका मफरूज़ा बना लेते हैं, देखो अब आपको चक्कर आ रहे हैं ना क्लास में, इसका मतलब ये है कि आपने नाश्ता नहीं किया होगा। ये 12 साल और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे ही इसके बारे में, यानी वो मफरूज़े कायम करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में और अपने मफरूज़े को फिर जस्टिफाई करना भी सीख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थाट एमर्ज, टीन्स बिगन टू थिंक मोर अबाउट मॉरल फिलोसफिकल एथिकल सोशल एंड पोलिटिकल इशूज़ दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। यहाँ पर बच्चे अपने इर्द गिर्द माहौल में जो चीज़ें हैं उनके बारे में मोर मैच्योर थिंकिंग करने लगते हैं, उनको पता चल जाता है कि एथिकल क्या है। वो अपने से छोटे उम्र के जो स्टूडेंट हैं या जो साथी हैं या जो फैमिली मेम्बर हैं उनको वो एथिक्स बता सकते हैं कि देखो आपने हाथ धोने हैं, खाना खाने से पहले आपने हाथ नहीं धोए हैं, आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है, और इसके अलावा ये है कि खाना खाने के बाद आपको बर्तन उठा के रखने चाहिए, या फिर ये कि हम जब एक दूसरे से मिलें तो हमने गले मिलना होता है, हमने सलाम करना होता है, हमने खैरियत दरियाफ्त करनी होती है, हमने हाउ आर यू करना होता है। और इसी तरह पॉलिटिकल इश्यूज में भी जब आप देखें कि आप 18 और इससे अबव जो एज वाले ग्रुप के लोग हैं वो अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दिखाते हैं बताते हैं। इसके बाद हम देखें बिगिन टू यूज़ डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। पीछे हमने बात की थी कि वो मौसम के बारे में उन्हें बता दिया जाता है कि ठंड में आपने बाहर नहीं जाना, यहाँ पर वो ये रीज़न देते हैं कि ठीक है जनरल रूल यही है कि आप जो हैं वो ना जाएं मौसम के ठंडे मौसम में बाहर ना जाएं, लेकिन वो अपना जो डिडक्टिव लॉजिक निकालते हैं वो इस तरह से है कि हम तो इस मौसम में एंजॉय करते हैं, तो हमने एक फुल अपना जो प्रिकॉशनरी ड्रेसेस हैं वो पहन लिए हैं, तो हम बाहर फुल ड्राइव पे जा सकते हैं, तो नो इशू। यानी वो मैच्योर सोच उनकी होती जाती है, इसी तरह उनकी जो सोच है उसके बारे में हम इंटेलिजेंस के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी, यहाँ अब थ्योरीज के हवाले से बात होगी। Did not focus on the individual child but on the child as product of social interaction especially with adults parents or teachers। यहाँ पर बात हो रही है सोशियो कल्चरल थ्योरी की,
तो कुछ लोग इस बात पर फोकस करते हैं, यहाँ पर दो तरह की थ्योरीज हैं, अभी हम थोड़ा आगे जाकर इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं, कि एक तो ये थ्योरी है कि बच्चों की इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है जब वो इंटरेक्ट करते हैं सोशली लोगों के साथ, ख़ास तौर पर अपने अपने से एडल्ट्स के साथ, बड़ों के साथ, यानी पेरेंट्स और टीचर्स के साथ, और इसी तरह जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर उनके जो एडल्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं उनके साथ। फोकस ऑन डैडिक इंट्रैक्शन, सोशल ग्रुप ऑफ टू पर्सन्स को कहते हैं डैडिक, डैडिक यानी दो लोग या इससे ज़्यादा जो पर्सन्स हैं जब इंटरेक्शन करेंगे तो बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो डिवेलप होगी, इम्प्रूव होगी। बिंग टाट बाय अ पेरेंट हाउ टू परफॉर्म सम कल्चरली स्पेसिफिक एक्शंस रादर देन चाइल्ड बाय हिमसेल्फ। अब इससे पहले कि बच्चा जो है वो खुद से सीखे कि उसने आकर जनाब हेलो एवरीवन ऐसे करके मिलना है, ये सोशल कल्चरल जो है नॉर्म्स उसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ, या फिर जो उसको किसी उसके एल्डर फैमिली मेंबर ने बताया कि आपने आके अस्सलाम वालेकुम कहना है या फिर आपने हेलो कहना है तो आपने हैंडशेक करना है, इस तरह से जो उनको हम कल्चरल नॉर्म्स सिखाते हैं तो वो एक सोशियो कल्चरल जो इंटेलिजेंस है उसको इन्हेंस करने में काम आती। सोशल वर्ल्ड मेडिएट्स, इसमें डीप थिंकिंग है। दूसरी थ्योरी जो है वो ये कहती है कि चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स एज चाइल्ड थिंकिंग इज मोल्डेड बाय सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स टीचर्स एंड पीयर्स। अभी वही सोशल वर्ल्ड के हवाले से हम बात करें कि जब बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको मोल्ड किया जाता है, यानी जब वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब हो रही है तो उसके अंदर जो उसकी नॉर्म्स हैं सोसाइटी के हवाले से उनको उस बच्चे की थिंकिंग के साथ साथ अपने नॉर्म्स को उसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए उसके अंदर उसके इनकैलकुलेट करने के लिए उसको मोल्ड किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। और ये सब कौन करता है, पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं और उसके साथी करते हैं। दिस लीड टू पीयर ट्यूटरिंग एज अ स्ट्रेटजी इन क्लासरूम। क्लासरूम में भी अगर आप दो चार बच्चों का ग्रुप बनाते हैं तो जो ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना और बातचीत करना जो है वो उनको सोशल कल्चरल इंटेलिजेंस को इन्हेंस करता है। पीपल्स थिंकिंग डिफ़िकल्ट डिफर ड्रामेटिकली बिटवीन कल्चर्स बिकॉज डिफरेंट कल्चर्स स्ट्रेस डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर लोगों के जो कल्चर हैं, अगर हम पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो यहाँ पर भी चार सूबे हैं तो या पांच सूबे हैं तो उसके हवाले से अलग अलग इलाकाई कल्चर हैं हमारे। जिस कल्चर में जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेस करती होगी वही चीज़ें बच्चे की सोशियो कल्चरल इंटेलिजेंस को डिवेलप करने में लोग जो हैं वो गाइड करेंगे एल्डर, तो वही इंटेलिजेंस उनकी इम्प्रूव होगी। अगर आप एक इलाके का कल्चर है कि ख़वातीन ने पर्दा करके बाहर आना है और बंदों को भी ये चीज़ सिखा दी गई उनके इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट के दौरान, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के दौरान उनको ये चीज़ बावर करा दी गई है कि ख़वातीन ने इस तरह से बाहर नहीं आना, तो वो उन ख़वातीन को अच्छा नहीं समझेंगे जो बग़ैर वेल के बाहर निकलेंगी। तो इस तरह की कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं जिनकी सोशियो कल्चरल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के हवाले से मिसाल दी जा सकती है। थ्योरीज प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर हम सोशियो कल्चरल थ्योरी की बात करें तो विगोस्टकी की एक थ्योरी है जिसके तहत उसने ये एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बनाया जिसके तहत बच्चे सीखते हैं किस तरह से, वो एक एल्डर से सीख रहे हैं। और जो हमने पिछली स्लाइड पर जो सारी बातचीत की थी सोशियो कल्चरल थ्योरी के हवाले से, तो वो ये उसकी डिटेल जो है या उसकी बुनियाद जो है यहीं से शुरू हुई जब विगोस्टकी ने ये थ्योरी दी। और विगोस्टकी जो है वो एक रशियन टीचर थे और उन्होंने अपने एज अ टीचर जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको नोट डाउन किया और उन एक्सपेरिमेंट्स को लिखा और उन टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो उसने रिसर्च की उसको उसने अपनी रशियन लैंग्वेज में आर्टिकल्स की सूरत में लिखा, लेकिन ये सारी दुनिया की
पहुंच में नहीं आईं ये चीज़ें, जबकि ये चीज़ें बना ली गई थीं उसके एज के दौरान, यानी जब वो अपना ज़िंदा थे विगोस्ट की, लेकिन उनकी डेथ हुई 37 ईयर की एज में, और तब 1960 में उनकी जो राइटिंग्स थी, उनके आर्टिकल्स थे, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई 100 से ज़्यादा, जो बाद में 100 आर्टिकल से ज़्यादा उनकी डेथ के बाद सामने आए। और इसी तरह से आगे हम जिक्र करेंगे, पियाजे की भी थ्योरी है इस हवाले से, सोशियो कल्चर के हवाले से। तो इन दोनों की थ्योरीज टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों ही सेम एरा में थे, सेम दौर में थे, एक बतौर टीचर था विगोस्ट की, और दूसरे जो हैं वो पियाजे बतौर साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन दोनों की थ्योरीज डिफरेंट थी। अभी हम देख रहे हैं विगोस्ट की थ्योरी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जो है, इसमें आप दो एक डायग्राम देख रहे हैं, दो एरोस देख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे मेरे एक एरो है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल नॉलेज। तो यहाँ पर एक्चुअल नॉलेज जो है वो लेफ्ट साइड के अगर आप एरो को देखें तो ZPD की वजह से वो एक्चुअल जो एक फ़र्द है उसका एक्चुअल नॉलेज इतना था, लेकिन उसका सोशल जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुआ अपने पेरेंट्स में से किसी एल्डर के साथ, तो उसका पोटेंशियल ऑफ नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ और वो एरो इंक्रीज़ हुआ। जबकि दूसरा जो स्टूडेंट है या जो पर्सन है उसका देखें तो एक्चुअल जो इंटेलिजेंस लेवल था वो विदाउट एनी कनेक्शन ऑफ एनी एल्डर फैमिली मेम्बर और एल्डर जिससे वो कुछ सीखता, तो वो नहीं हुआ। तो उसका ZPD जो है वो स्मॉल एरो की सूरत में दिख रहा है। टू चिल्ड्रन विद द सेम एक्चुअल नॉलेज, उनके पास एक्चुअली सेम नॉलेज था, लेकिन वो डिफरेंट ट्रेवल कर पाए डिस्टेंस को, बिकॉज एक का जो है इंटरेक्शन एक सीनियर एडल्ट के साथ हुआ जिसको हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, यानी कि MKO, मोर नॉलेजेबल अदर जो है उसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ पहले चाइल्ड का, तो उसकी जो पोटेंशियल नॉलेज था वो बढ़ गया। जबकि दूसरा जो बच्चा है उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ मोर नॉलेज अदर के साथ, मोर नॉलेजेबल अदर के साथ, तो उसकी जो एरो है पोटेंशियल नॉलेज की वो स्मॉल है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच प्रेजेंट एंड अदर मेजर प्रस्पेक्टिव विद हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दिस अप्रोच व्यूज ह्यूमन ब्रेन एज एन एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम लाइक अ कंप्यूटर मशीन। अभी इससे पहले अगर मैं बात करूँ लास्ट उस पर हम वापस चलते हैं, तो हमने ये विगोस्ट की क्या जो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी वो बताई, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा पियाजे की थ्योरी के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि वो फोकस करते थे इंडिविजुअल लर्नर की विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द स्टेजेस थ्रू विच दे पास ड्यूरिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी वो लर्निंग बाय डूइंग के कायल थे पियाजे, और वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स अपने ही आप खुद से खुद ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करके, ज़्यादा नॉलेज हासिल करके अपने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको किसी दूसरे बंदे से इंटरेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है अपने इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये दो थ्योरीज हमने जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद हैं आपके सामने पेश की। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में अगर हम बात करें तो ये एम्फेसिस करती है, इसका मेजर एम्फेसिस है दो मेन कॉग्निटिव प्रोसेस पर। एक ये कि मेमोरी जो है वो उसमें चीज़ें हासिल की जाएं, और दूसरा ये कि वो स्टोर कैसे की जाएं। दिस अप्रोच व्यूज ह्यूमन ब्रेन एज एन एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर मशीन है, तो उस तरह से ये अप्रोच जो है वो उसको सपोर्ट करती है कि इंफॉर्मेशन एक ब्रेन में, एक दिमाग में इंसान के स्टोर की जा सकती है, जैसा कि कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। इट एग्जामिन हाउ डज इंफॉर्मेशन एंटर अ ह्यूमन
माइंड एंड हाउ इज इट स्टोर्ड। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशन या नॉलेज ह्यूमन के माइंड में स्टोर किया गया, यानी उसकी कितनी प्रैक्टिस कराई गई, कितनी ड्रिल कराई गई, किसी भी इंफॉर्मेशन को कितना पुख्ता किया गया उसके जो मेमोरी है इंसान की उसके अंदर, ताकि वो एक कम्प्लीटली स्टोर हो जाए। आप इसका अंदाज़ा इस तरह से करें कि जब आप छोटे बच्चे को पहाड़े याद करवाते हैं, टेबल्स याद करवाते हैं, तो किस तरह से वो रटे लगा लगा कर पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दुनी चार, और फिर आप चाहे 60 साल की उम्र के इंसान हो जाएं तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है आपके कंप्यूटर की तरह आपके माइंड में, ब्रेन में, और आप उसी रिदम और उसी स्टाइल में दोबारा वो स्टोर की हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा से बोल के बता सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच थी ज़हानत को डेवलप करने के हवाले से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से आप क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करवाएं, तो आप बच्चों की कॉग्निशन जो है उसको, उस अमल को तेज़ कर सकते हैं। तो प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन लेवल के लिए हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, और एलिमेंट्री स्कूल लेवल के लिए हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, दो तरह के, क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा इसी एज के स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन जो एक्टिविटी हैं उनके लिए अगर हम बात करें, तो द प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन चिल्ड्रन हैव मोर प्लेस एट दिस स्टेज सपोर्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दिस इंक्लूड्स फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स प्लेस, बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स विद ब्लॉक्स। तो यहाँ पर भी आपको मदद देगी मेरी वो वीडियो सीरीज़ जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था लर्निंग कॉर्नर्स के हवाले से। प्री स्कूल बच्चों के लिए कुछ लर्निंग कॉर्नर्स सेट करने के हवाले से मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई है, जिसमें उनको डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट की जो लर्निंग है उसके बारे में एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। उसमें आप डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कैसे आप उसकी सेटिंग करेंगे। उसके मैंने तस्वीर भी शेयर की हुई हैं उस वीडियो में उन कॉर्नर्स के हवाले से, और वो डिफरेंट टाइप के आपके कॉर्नर्स उसमें शो होंगे, यानी मैथ कॉर्नर है, साइंस कॉर्नर है, आर्ट्स कॉर्नर है, और इस तरह से अदर कॉर्नर्स ऑफ लर्निंग। प्रिटेंड प्ले, रोल प्ले टीचर, यानी उसमें आप बच्चों को रोल प्ले का दे सकते हैं कि आप कोई बच्चे टीचर बन जाएं, कोई स्टूडेंट बन जाएं, और इस तरह से वो कुछ ड्रामा जो है वो प्ले करें, और इस तरह से उनके प्री जो स्कूल बच्चे हैं 4 से 5 ईयर एज के, उनको आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। सोशल प्ले हो सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लोकोमोटर प्लेज, जैसे गेम्स करवाई जाती हैं, जब हम पिछले सेकंड यूनिट में भी इसका जिक्र कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी सजेस्टेड वीडियोस में, और इसी तरह लर्निंग कॉर्नर्स का भी सजेस्टेड वीडियोस में आपको शेयर लिंक जो है वो शो हो जाएगा। प्लेइंग टैग्स इन विच चिल्ड्रन रन आफ्टर ईच अदर, ये लोकोमोटर स्किल्स के इम्प्रूव करने के लिए है, और जाहिर है ये आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, जिसमें आप कटिंग आउट अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, कुछ कार्ड्स दे सकते हैं कि आप इनके अल्फ़ाबेट काट के दिखाएं। कंडक्टिंग सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट्स, इसके लिए आप साइंस कॉर्नर की मेरी जो लर्निंग सीरीज़ की वीडियो है वो देखिएगा, वो हेल्पफुल है। काउंटिंग विद द पेडल पॉप स्टिकर्स एंड क्रिटिकल इन डेवलपिंग एडवांस थिंकिंग एंड कॉग्निशंस, ये सब इसकी जो डिटेल बहुत अच्छे से आप वहाँ पर देख सकते हैं लर्निंग कॉर्नर सीरीज़ में। एलिमेंट्री लेवल पर अगर बात करें, तो चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स अंडरगोज रैपिड चेंज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूल। अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज मे हेल्प द एलिमेंट्री स्कूल्स चाइल्ड्स टू मेक कॉग्निटिव प्रोसेस एट दिस स्टेज। This include for example allowing children to experiment, बच्चों को ये इजाज़त दी जाए कि वो कुछ तजर्बात करके देखें, उनके साथ टीचर एज अ गाइड मौजूद रहेगा और उनको इनक्रेज करेगा कि वो डिस्कवर करें लर्निंग को ख़ुद से,
और उनका जो टीचर है उसका रोल एज ए फैसिलिटेटर होगा, एज ए गाइडर होगा, और बच्चे लर्निंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर डिपेंड करेंगे, और जहाँ जिस पॉइंट पर आपको लगता है कि एज ए टीचर आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए वहाँ पर आप मौजूद होंगे। रीडिंग विद द चिल्ड्रन, इंकरेजिंग देम टू शेयर आइडियाज़ एंड ओपिनियन, आप उनसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चंस के हवाले से भी मेरी एक वीडियो सीरीज़ है जिसको आप देखेंगे कि क्वेश्चनिंग किस तरह से करनी चाहिए। आस्किंग देम टू मेक कंपेरिजन, सेट क्लासीफाई एंड कैटेगराइज ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और इवेंट्स, इंगेजिंग देम इन द ड्रामा एंड रोल प्लेइंग, एंड आस्किंग देम टू जस्टिफाई देयर आंसर्स एंड एक्शंस। जब आप उनको रोल प्ले देते हैं, किसी को टीचर का, किसी को डॉक्टर का, तो फिर वो जो एक्शंस उस वक्त करेंगे उस रोल प्ले के दौरान, तो उनके बारे में आप सवालात करेंगे और वो जस्टिफाई करके बताएंगे। तो इस तरह से भी उनकी इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगी कि वो जस्टिफिकेशन बनाना जो है वो उसको सोचना उनका माइंड शुरू करेगा, और वो किस तरह से रिप्लाई करना है इस बारे में उनकी इंटेलिजेंस उनको गाइड करेगी। मोर ओवर, सिंस चिल्ड्रन हैव डिफरेंट इंटेलेक्चुअल डिमांड्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एंगेज देम इन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ पोर्टफोलियो और अ ग्रुप और प्रोजेक्ट। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जहानत के हामिल होते हैं, जैसे कि आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक चीज़ का नाम है, जिसके तहत आप देखेंगे कि जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस काम में है उसको आप उसी तरह के इंटरेस्ट वाले बच्चों के ग्रुप में, अगर ग्रुप एक्टिविटी देनी है तो उस तरह से दीजिए, वरना आप इंडिविजुअल एक्टिविटी भी दे सकते हैं, ताकि वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो उनका एक तो इंटरेस्ट होने की वजह से वो परफेक्ट काम करेंगे, और दूसरा उनकी इंटेलिजेंस इस तरीके से भी इम्प्रूव होगी। चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द रैपिड चेंज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ चाइल्ड स्कूल, अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज में हेल्प द एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड टू मेक कॉग्निटिव प्रैक्टिस प्रोग्रेस एट दिस स्टेज, अलाउंग चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट, इंकरेजिंग डिस्कवरिंग लर्निंग, रीडिंग विद द चिल्ड्रन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में। इनकरेजिंग देम टू शेयर आइडियाज़, ये बात भी हो चुकी है। आस्किंग देम टू मेक कंपेरिजन्स, हाँ आप उनको कंपेरिजन दे सकते हैं कि देखें आपका क्लासरूम और दूसरा जो साथ वाला क्लासरूम है इनमें कंपैरिजन करें कि क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इस तरह से बच्चों की जो इंटेलिजेंस है उसमें कंपैरिजन करने का जो आंसर है वो इम्प्रूव होगा। क्लासिफाई एंड कैटेगराइज्ड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और इवेंट्स, वो किस तरह से कैटेगराइज करेंगे इवेंट को, कि जिस तरह से उन्हें कहें कि खुशी के इवेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो एक कैटेगरी बना लेंगे कि इसमें आप शादी के इवेंट को खुशी का इवेंट कह सकते हैं, बर्थडे पार्टी को खुशी का एक कोई सेलिब्रेशन है, और इसी तरह से अगर आप उन्हें कहें कि स्टडी वाले इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो बताएंगे कि आपको बज़्मे अदब का इवेंट है, क्वेश्चन आंसर क्विज़ शो है कोई, या फिर आप पूछेंगे कि एंजॉयमेंट के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि रोल प्ले, ड्रामा प्ले जब हम करते हैं, या फिर आप उनसे यूं भी एक एग्जांपल यूं भी है कि आप असेंबली स्कूल में जब होती है तो आप कह सकते हैं कि उसमें से कौन सा जो है पार्ट वो फिज़िकल एक्टिविटी का था, और कौन सा पार्ट जो था वो आपका स्पीच कंपटीशन के हवाले से था। तो इस तरह से उनको चीज़ों को, थिंग्स को, इवेंट्स को कैटेगराइज करना आ जाएगा, क्लासिफाई करना आ जाएगा, और ये जहानत की उनकी ये इम्प्रूवमेंट इस तरीके से भी होगी। इंगेजिंग देम इन द ड्रामा एंड रोल प्लेइंग, ये बात हो चुकी है। जस्टिफाई देयर आंसर्स एंड एक्शंस, ये बात भी हो चुकी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंगेज देम इन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स, तो ये वाला पॉइंट भी हम लास्ट स्लाइड पर डिस्कस कर चुके हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपके कुछ क्वेश्चंस अभी भी रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। और जिनका ये लेक्चर अच्छे तरीके से हो गया था उनके लिए भी, अगर कोई भी पॉइंट आपको उस वक्त कनेक्टिविटी की वजह से मिस हो गया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको यहीं कमेंट में रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।